नहीं, मुझे तो माँ शर्म आती है, मैं ये लेके नहीं जाऊंगी। भैया वहाँ पर मुझे खुद प्लास्टिक की थैली में रख के दे देंगे ना। तुम तो प्लास्टिक की थैली में बुक्स लेकर नहीं आओगी। अब तुम्हें देखकर कॉलेज के बाद कुछ फ्रेंड्स भी ऐसा करेंगे तो मेरे लिए गर्व की बात होगी। ठीक है माँ, आज से मैं अब यही थैला लेके जाऊंगी। भैया कल तुम्हें एक मंगनी में गया था, वहाँ मैंने डट के खाया। आए हाय हाय, शुरुआत की भैया डोसा से। डोसा से फिर देखे रसगुल्ले, तो वो भी खा गया रसगुल्ले। फिर मन ही नहीं मान रहा था तो दही बड़े भी खा ही गया। खा ही गया चूरन चबा के। आए हाय, हम भी गए थे गाड़ी पे। अच्छा हाँ, हमने तो जब भर भर के खाना लिया था। आए हाय, क्या खाना था यार। हमने तो पूरा पेट स्नैक्स से भर लिया, पूरा खाना में कूड़ेदान में डाला, बड़ा कूड़ेदान। अरे वाह भाई वाह, आपसे ज्यादा खाना तो वो कूड़ेदान खा गया होगा। आप सभी जानते हैं हमारे देश में रात में कितने लोग भूखे सोते हैं। अगर ये भाई साहब वही खाना उन भूखों को खिला देते तो कितना अच्छा होता। इसीलिए आज से हमें ये संकल्प लेना होगा कि अब हम अपना बचा हुआ खाना कूड़ेदान में नहीं फेंकेंगे। जो भी रात में भूखा सोएगा वो खाना खा लेगा। मैं हूँ धरती माता। बस 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 करो मेरे बच्चों, और कितनी गंदगी फैलाओगे। प्लास्टिक की थैलियों का प्रयोग करना बंद करो। बंद करो, बंद करो। प्लास्टिक की थैलियों ने सारे रास्ते जाम कर रखे हैं, उसकी वजह से बारिश का पानी मुझ तक नहीं पहुँच पाता है, जिसकी वजह से मेरी प्यास नहीं बुझ पाती और मैं आप लोगों की प्यास नहीं बुझा पाती हूँ। प्लास्टिक से बनी हर चीज जीव जंतुओं को पानी में गंदा कर रही है, जीव जंतुओं को हानि पहुंचा रही है और खेतों के नन्हे नन्हे पौधों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। हमें प्लास्टिक का यूज नहीं करना चाहिए। तो आप सभी अब समझ ही गए होंगे कि हमारे लिए प्लास्टिक की थैली कितनी नुकसानदायक है। आज से हम अपनी प्लास्टिक की थैली को त्याग देंगे और घर पे बने बैगों का ज्यादा इस्तेमाल करेंगे। चलिए तो आज हम सब एक साथ शपथ लेते हैं, हम अपने शहर दमोह नगर को फिर से शुरू करते हैं। हम अपने शहर दमोह नगर को प्लास्टिक बैग से मुक्त करेंगे। आप सभी के सहयोग के लिए धन्यवाद। बहुत बढ़िया।